अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेबल ट्रीट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन विंग्स, क्रंची विंग्स हम इसको कह सकते हैं। मैंने लिया है 1 किलो विंग्स, उसको अच्छे तरीके से धो के और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। मैरिनेशन कर रहे हैं हम, थोड़ी सी लाल मिर्चें इसके साथ, थोड़ी सी मतलब हसब जायका जितना आपको तीखा पसंद है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें। इसका टेस्ट मैरिनेशन में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक पाउडर, पाउडर फॉर्म में भी डालेंगे, फिर हम पेस्ट भी ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हसब जायका नमक, ठीक है। नमक मैरिनेशन के लिए हम डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर जो और मसाला जात होते हैं, तिक्का मसाला या तंदूरी, अगर हम डालें तो उसमें भी नमक होता है। अब इसके बाद हम ऐड ऑन करेंगे कुछ और मसाले, और उससे पहले हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। लहसुन के पेस्ट से वो जो चिकन का अपना जो कच्चा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फ्राई होके इसका टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच के बराबर भर के, 2 टेबलस्पून बल के सिरका। सिरका जो है वो मैरिनेशन में मस्ट होता है। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, ठीक है। चिली सॉस ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतने ही आप स्पाइसेस ऐड करें। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर से ये है कि वो एक क्रंची सा जो फैक्टर है उसका, वो ज़रा और ज़्यादा अच्छा आएगा, जो क्रंची सा इफ़ेक्ट होता है चिकन का अपना एक, ठीक है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें एग, अंडे आप इसमें डालें तकरीबन, मैंने एक ही डाला चिकन के हिसाब से देखें, क्योंकि मेरे पास 1 किलो विंग्स है तो मैंने उस हिसाब से डाले। इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप मैरिनेट मिक्स कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ और मसाले, ये चीज़ें ज़रा मिक्स करना ठीक होता है पहले से। इसके बाद हम अब इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। तंदूरी मसाला में कश्मीरी लाल मिर्च होती है तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, और फूड कलर भी होता है, तो टेस्ट भी तंदूरी मसाले का बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन में जब भी आप मैरिनेट करें चिकन को, उसमें तंदूरी मसाला ऐड करें। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, ठीक है। मैदे का जो ये स्टेप है ये आप गौर से देख लें, इसमें थोड़ा मैदा ऐड करेंगे ताकि पूरा अच्छे तरीके से इसमें वो चिपक जाए मैदा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, स्टेप वाइज आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। सारा इकट्ठे डालेंगे तो वो उस तरह से अच्छा नहीं बनेगा, मतलब ये देखें ना, स्टिकी स्टिकी हुआ है तो इसको हमने ऐसा ही रखना है, स्टिकी स्टिकी ही रखना है, ये देखें। अब थोड़ा सा और डालेंगे, और अब इसको हम इस तरह से ताकि मैदा हाथ से अगर हम लगाएंगे तो वो और ज़्यादा चिपक जाएगा, फिर वो स्टिकी जो टेक्सचर है वो हटना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद स्टेप है हमारा ब्रेड क्रम्स, आप चाहे बाज़ार से ले लें या ख़ुद ब्रेड क्रम्स बना लें। इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में इसके ऊपर दबाना है, क्योंकि जो थोड़ी देर जब आप रखते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है। अब ऑयल गरम करके इसमें हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने तेल बहुत अच्छे तरीके से गरम करना है ताकि ये जो है, और स्लो आंच रखनी है आपने, आहिस्ता से, चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है हमारे पास, ये हल्की आँच पर ये बन रहे थे और ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर से भी पक चुके हैं। ये देखें हमारे पास चिकन विंग्स रेडी है, इसके ऊपर मैंने रेड सॉस डाला है।
आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, और अगर आपको रेड सॉस बनाना है यही वाला और आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है, अफ्तारियों के लिए चाहे आप डिनर में रखें तो एज अ स्टार्टर्स ये बहुत अच्छा एक डिश रेडी है हमारे लिए। ऊपर हमने फ्राइज़ वगैरह से इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टेबल ट्रीट्स बाय तिलोर।